नमस्कार, मैं प्रगति अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर के खेत में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ट्रैक्टर लेकर निकले। उन्होंने खेत की जुताई करने के साथ ही वहां लौकी, कुमड़ा और तोरई के बीज भी लगाए। इसके साथ ही धान की भी बुआई की। मौका था अक्ति तिहार और माटी पूजन का। इससे पहले खेत में ठाकुर देवता की पूजा अर्चना कर सीएम ने खेती किसानी के नए नियम की शुरुआत कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। वहीं कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा, यह नया काम नहीं है, नया काम यह है कि इसके जरिए छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा का सम्मान बढ़ाया जा रहा है। दरअसल मजदूर दिवस को बोरेबासी के रूप में स्थापित करने के बाद अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अक्षय तृतीया को किसानों से जोड़ दिया है। इसी के तहत मंगलवार को कृषि विश्वविद्यालय में अक्ति तिहार और माटी पूजन की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री ने इस दौरान लोगों को माटी की रक्षा की शपथ दिलाई। कहा कि हमारी माटी, जिसे हम माता भूइया कहते हैं, उसकी रक्षा करेंगे। हम अपने खेत, घरों और बगीचों में जैविक खाद का उपयोग करेंगे। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे मिट्टी, जल और पर्यावरण की सेहत खराब हो। हम भूमि में रासायनिक और नुकसानदेह केमिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वेद पुराण में भी धरती से अनुमति लेने की बात है। किसान उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। जमीन को संभाल कर रखना है। इस जमीन ने रासायनिक खाद को एक समय तक पचाया, लेकिन अब अधिक हो गया तो वह फसलों में आ गया। उसका असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। सीधी सी बात है, हम धरती की सेवा करेंगे तो मानव समाज की सुरक्षा होगी। अब हम शपथ लेते हैं कि हमारी मिट्टी, जिसे हम माता भूइया कहते हैं, उसकी रक्षा करेंगे। हम अपने खेत, बगीचों और घरों में जैविक खाद का उपयोग करेंगे। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारी मिट्टी, पानी की सेहत खराब हो। हम हानिकारक रसायनों के कारण, भूमि जल को होने वाले नुकसान के प्रति सबको सचेत कर पर्यावरण की रक्षा करेंगे। हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए साफ पानी, शुद्ध हवा और उपजाऊ मिट्टी बचाएंगे। जय भूइया, जय छत्तीसगढ़ माता रे, जय भारत माता की, धरती माता की, छत्तीसगढ़ माता रे की। उन्होंने कहा कि सिर्फ धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, गौ माता की जय हो कहने से गौ माता की जय नहीं होगी। उसके लिए गौ माता की सेवा करनी होगी, चारे, पानी, इलाज और छाया का इंतजाम करना होगा। वैसे भी कोरोना के कारण से हम लोग सब सामाजिक, राजनीतिक सारी गतिविधियां ठप सी हो गई थी। अब फिर से हम लोगों को निकलना है, सबसे भेंट मुलाकात करना है। अब जीवन सामान्य होते जा रहा है तो सामान्य ढंग से सब काम होना चाहिए। थैंक यू के लगभग 7 दिन तक के लगातार दौरा और प्रत्येक विधानसभा में जाने का मेरा प्रयास। 90 विधानसभा में जाऊंगा और हर विधानसभा में 1 दिन का समय मैंने निर्धारित किया है। हो सकता है इसमें 4 महीने लगे, 5 महीने लगे, लेकिन सभी विधानसभा में जाऊंगा और वहां की स्थिति, जो शासकीय योजना है उसके बारे में जानकारी, आम जनता से मुलाकात, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात, कार्यकर्ताओं से भी भेंट मुलाकात होगी और अधिकारियों के भी जो आवश्यक निर्देश होगा वो। आप पुराने कांग्रेसियों से माटी त्यौहार का आयोजन, अक्ति त्यौहार का भी आयोजन, माटी भूमि मिट्टी के पूजन भी हम लोग किए। धरती हमारी माता है, छत्तीसगढ़ को भी हम मातारी के रूप में पूछते हैं। तो आज अक्ति इससे बड़ा कोई त्यौहार नहीं हो सकता माटी पूजन के लिए, क्योंकि किसान वर्षों से बीज लेके खेत में जाते हैं, पूजा अर्चन करते हैं, बीज छिड़कते हैं और खेत की जुताई करते हैं, अच्छी फसल की कामना करते हैं। तो माटी पूजन का इससे बढ़िया त्यौहार नहीं हो सकता। आज लोग ग्लोबल वार्मिंग से, क्लाइमेट चेंज से परेशान हो रहे हैं, तो प्रकृति से जुड़ने का एक प्रयास, मिट्टी के भी हम माता के रूप में पूजें, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि उस मिट्टी में डाल क्या रहे हैं। जितना हम केमिकल फर्टिलाइज़र, केमिकल पेस्टिसाइड जितना प्रयोग करेंगे, उतना ही हमारे प्रकृति को नुकसान पहुंचेगा, मिट्टी को नुकसान पहुंचेगा और अंत में मानव
में उसका असर दिखाई देगा, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो। इसलिए मिट्टी के स्वास्थ्य के ऊपर विशेष रूप से हम लोगों को ध्यान देना है, जैविक खेती की तरफ बढ़ें, प्रकृति के पूजा हम करें। पशुधन के लिए हमने कार्यक्रम बनाया, उसी प्रकार के मिट्टी की सेहत के लिए भी हम लोगों को चिंतन करना चाहिए। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।